Subscribe and press the bell icon for latest update. अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले सपा नेता आजम खान ने महाभियोग पर बयान देते हुए राम मंदिर मसले पर हो रही जल्दबाजी पर चिंता जाहिर की है। की तरफ से सीपीएम की तरफ से आया है कि महाभियोग तैयार, जानकारी में मेरी भी आया है और महज जानकारी नहीं है बल्कि मुझे जहाँ से सूचना है वो मुस्तनद सूचना है और ये भी सूचना है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर सहमति देने की कुछ इच्छा जाहिर की है और राज्यसभा में इस मामले को लाने का प्रयास हो रहा है। सवाल यह है कि अगर महाभियोग आता है तो न्यायपालिका की हैसियत क्या होगी, कि अब तक जितने फैसले हुए हैं उनके बारे में क्या होगा, जो कैपिटल पनिशमेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में क्या होगा, जो पॉलिसी डिसीजंस हो चुके हैं उनके बारे में क्या होगा, जो विवादित मामलात हैं या सरकार की मंशा से जुड़े हुए मामलात हैं उन फैसलों का क्या होगा। एक बहुत बड़ा लीगल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा मुल्क में और एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा कि ऐसे हालात में जबकि सुप्रीम कोर्ट के चार माननीय जजेस जिनको चीफ जस्टिस होना था वो ये कहें कि नाउ नेशन हैज़ टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राष्ट्र को अब निर्णय लेना है, हमने अपनी बात जनता की अदालत में रख दी। तो जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुकदमा है और बहुत जल्दी की जा रही है और बहुत तेज़ी है कि किसी तरह से दो चार हफ्तों के अंदर ही है गंभीर मुकदमा तय हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सामने आ जाए, ऐसे में मुसलमान या इस मुकदमे को लड़ने वाले लोग क्या तय करें। और उनके मन में ये भय है कि ऐसे हालात में क्या इंसाफ मुमकिन है। बताते चले आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बयान दिया था कि वो संसद में बजट सत्र के दौरान महाभियोग प्रस्ताव लाने के विकल्पों पर विपक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।